हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं रजनी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिंदगी के पलवित रजनी में। तो आज मैं फिर से अच्छी अच्छी ट्रिक लेकर आई हूँ जिसे यूज़ करके आप अपने घर के काम को आसान बना लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैक्रोनी तो हम सब अपने घर पर बनाते ही हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बहनों की शिकायत होती है कि हमारी मैक्रोनी में नमक सही से नहीं पड़ता, कभी ज़्यादा और कभी कम हो जाता है और मैक्रोनी भी चिपक जाती है। लेकिन जब मेरे तरीके से बनाएंगे मैक्रोनी तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले जब भी आप मैक्रोनी को बॉईल करें उसमें जितनी आपकी मैक्रोनी हो उसके अनुसार नमक डाल दें और एक चम्मच तेल डाल दें। नमक डालने से आपकी मैक्रोनी में बराबर का नमक का टेस्ट आ जाएगा और तेल डालने से आपकी मैक्रोनी चिपकेगी नहीं और खाने में टेस्टी बनेगी। इस टिप के लिए लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। फ़ोन तो आजकल हमारी सबकी ज़िंदगी में एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है, लेकिन चार्जर को संभाल के रखना एक बहुत बड़ी समस्या है। हम जब भी इसको इस तरह से लपेट के रखते हैं ये हमेशा बिखर जाता है, खुल जाता है और इधर उधर पड़ा रहता है, तो जिससे इसके चार्जर की जो ये वायर होती है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, चिटक जाती है, आपने देखा होगा कई बार। तो इस तरह से अगर हम चार्जर को लपेट लेंगे और एक रबड़ ले लेंगे, इस तरह से लपेटने से और रबड़ लगाने से ही हमारी चार्जर सेफ रहेगा और ना ही बिखरेगा, ना ही फैलेगा और बहुत ही कम जगह पे आपका ये चार्जर स्टोर भी हो जाएगा। आप इसको अपने बैग में इस तरह से रख सकते हैं या कोई ड्रॉअर में रख सकते हैं या कहीं साइड टेबल पर रख सकते हैं, तो ये चार्जर लंबे समय तक चलेगा। टिप अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा। दूध में अगर इस तरह की मोटी मोटी मलाई जम जाए तो वह क्या कहने, लेकिन इसके लिए दूध भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर कभी कभी कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हमारे द्वारा की गई होती हैं, वो गलती ये है कि कभी कभी जो हम दूध गर्म करते हैं तो उसमें हम डायरेक्ट प्लेट से ढक देते हैं गर्म करने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं करना है। कभी भी जब हम दूध गर्म करते हैं उसको गर्म करने के बाद हमें उसे जालीदार छन्नी से ढक देना है, जिससे आपकी मलाई अच्छी जमेगी दूध पे। जब कभी भी हम मशीन में कपड़े धुलते हैं तो हम सफ़ेद कपड़े और कलरफुल दोनों कपड़े हमारे साथ साथ धुल देते हैं, जिससे कुछ कपड़ों में जो हमारे रंगीन कपड़े होते हैं उनमें से कलर निकलता है, तो वो कपड़े का कलर हमारे किसी वाइट कपड़ों पे या किसी अदर कपड़ों पे भी लग जाता है। तो रंग से अपने कपड़ों को बचाने के लिए नमक ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच नमक लिया है और इसको मैं मशीन में डाल दूँगी। तो इस तरह से मशीन में डाल देने से हमारे कपड़ों का जो कलर है वो नहीं निकलता है और दूसरे कपड़े भी हमारे नहीं ख़राब होते हैं। तो इस तरह से जब भी कभी भी आप कोई कपड़े जो हैं जिनका रंग निकलता है तो आप कभी भी एक साथ धुलते हैं तो नमक डाल दें, या हो सके तो आप जिन कपड़ों से रंग निकलता है तो आप उसको अलग से ही नमक के पानी में भिगो के धुल लें। आज की कौन सी टिप आपको ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।